नया जिला के एनएच 2 है और कोलकाता दिल्ली का ये मुख्य सड़क है। आमस थाना क्षेत्र के अभी हम इस गांव में खड़े हैं जहां पे घटना घटी है। और आज सुबह लगभग 7 बजे एक ट्रक के द्वारा 2 ऑटो में टक्कर मार दी गई, जिसमें लगभग 6 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। और लगातार जो मृतक की संख्या वो बढ़ते जा रही है, 6 के बाद 7 घटना, ये 7 की मौत की खबरें आ रही है, जिसमें कई लोग घायल भी हैं जिनको अलग अलग स्थानीय अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। लेकिन हम घटना की ये बता दें कि जो जिस रफ्तार से ट्रक यहाँ पर घटनास्थल पर घटना मारी है, जो टक्कर जबरदस्त टक्कर मारी, उसमें ऑटो जो है पूरा चकनाचूर हो गई है और 2 ऑटो चकनाचूर हो गई है। और ये ऑटो पर जो सवार थे आमस थाना क्षेत्र के ही बगल के रेंगनिया गांव है जहां के लोग आमस से गए थे तिलक चढ़ाने के लिए औरंगाबाद, और औरंगाबाद से आज ये लोग लौट रहे थे। इसी बीच में ये घटना घटी और एक बड़ी हादसा है गया के लिए। आज के दिन में ये बड़ी हादसा, हम जानकारी यहाँ से लेंगे, यहाँ क्या स्थानीय लोग हैं, क्या घटना घटी थी, कितने बजे की मामला थी? लगभग 6:30 क्या हुआ था, क्या आप लोगों ने जाना है? यहाँ पर रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रहा था, रोड खराब होने के कारण वो बाएँ चापा, इसके बाद जो है ऐसे दोनों टेम्पू में लग गया, इसके बाद नाला में टेम्पू गिर गया, जिससे लोग घायल हो गया, मर गया। 1-2 घंटा की मशक्कत के बाद JCB क्रेन मंगवाने के बाद जो है कुछ लोगों को निकाला गया, 7 आदमी स्पॉट पर ही दम तोड़ दिए। क्या लगता है किसमें सरकार का क्या सरकार का रवैया सामने दिख रहा है? सड़क देखा जाए इसमें इसे घाटी क्षेत्र का जो भी नज़ारा है, कि सड़क दुर्घटना जो रोड के चलते हो रहा है, यही मेन मुख्य कारण है इसका। क्या पीड़िता के लिए सरकार की तरफ से क्या मदद किया जा रहा है? सब पहल अभी अभी BDO साहब, DSP साहब, SDO साहब, मुखिया जी, उप सरपंच, सरपंच सब लोग उपस्थित हैं। 20,000 रुपया का चेक अभी देने का आश्वासन दिए हैं। शेष 4-4 लाख रुपया का राशि 1 सप्ताह के अंदर देने के लिए बोल रहे हैं। ये मृतक परिवार कौन लोग हैं, कहां से कहां गए? यहां हैरा से गए थे, भुइया समाज हैं, सोहन भुइया के बच्ची का मतलब तिलक चढ़ाने के लिए गए थे देव के पास औरंगाबाद, वहाँ से लौटने के दरमियान ये एक्सीडेंट हुआ। क्या लगता है कि जिस परिवार से लोग जिनकी हादसा हुई है जाने गई है, सरकार खाली राजनीति करती है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। सड़क सामने उसी का गवाही है, यहाँ से लेकर के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर इतना डेंजर है कि बाहर से जो भी गाड़ी आ रहा है उसको पता नहीं चला कि सड़क यहाँ पर गड्ढा हो गया है, 1-1 फीट 2-2 फीट गड्ढा हो जा रहा है। क्या ये पहली भी घटना इस तरह का? हमेशा घटती है, मतलब बुधौल में तो हमेशा दरभैसन के पास जो है 1 फीट से ज़्यादा गड्ढा है। और रोशन कुमार जी से भी हमने बात की, हम आपको बता दें कि हम यहाँ के जो हालात है, सड़कों के जो हालात है, NH2 की हालात है, राज्य और केंद्र सरकार पर हमेशा ये सवाल उठती रही है कि जो सड़कें हैं वो बनाने के लिए कदम नहीं उठा रही है। सरकार को जो सड़क बनाना चाहिए, जो घटनाएं घटती है वो इसकी जिम्मेदार सरकार के लोग हैं, जबकि इस सड़क के बारे में यहाँ के स्थानीय लोग और कई भी राजनीतिक दलों को भी बताया गया है, सरकार के भी अवगत करवाई गई है कि सड़कें की वजह से लगातार सड़क हादसे में मौत हो रही है। और गया जिला में जो मौत और घायल होते हैं, खासकर के जो घायलों के इलाज के लिए बेहतर हॉस्पिटल नहीं है, बोध गया और गया एक पवित्र नगरी है जो दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इस परिस्थिति में बेहतर इलाज करने के लिए सरकार के पास सुविधाएं भी नहीं है। आमस थाना क्षेत्र में जो NH पे घटना घटी है, इस घटना के अपडेट जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, पीड़िता परिवार के सहयोग में खड़े हैं, साथ ही क्षेत्रीय यहाँ के जो विधायक हैं विनोद जी वो भी खड़े, हम बात करेंगे क्या किस प्रकार मदद किया जा रहा है। सर, क्या पीड़िता को मदद की जा रही है और क्या राहत पहुँचाई जा रही है, किस तरह की घटना है ये? सबसे तो पहले हम लोग जो मृतक परिवार हैं वे शादी समारोह में तिलक चढ़ाने गए थे और उन लोगों को असामयिक मृत्यु हो गई दुर्घटना में, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार के लोगों को शांति मिले और वे धाड़स से काम लें। सरकार पूरी तरह से उनके मदद के लिए तैयार है, जिला प्रशासन से, जिला पदाधिकारी, SDO शेरघाटी, DSP शेरघाटी, BDO, CO जितने भी अधिकारी हैं सब तत्परता से उनके मदद के लिए यहाँ सुबह से लगे हुए हैं और सरकार
के द्वारा इनको अभी तत्काल 20,000 रुपये प्रत्येक मृतक के आश्रित के खाते में दी जा रही है, 3,000 रुपया कबीर अंत्येष्टि के रूप में दी जाएगी और 4,000,000 रुपया उनके अकाउंट में आपदा राहत कोष से दी जाएगी। ये कब तक ये पहल की जा रही है? ये आज ही अभी 20,000 रुपया का चेक अभी तत्काल हम लोग चेक देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग तत्काल उनको चेक दे करके तभी यहाँ से जाएंगे। एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो सड़कों का हालात है, आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रही है, क्या इसको ये इससे बेहतर करने के लिए या क्या सुझाव देंगे? हम लोगों ने यहाँ के जो लोग हैं हमारे जो काफ़ी इस बातों से पहले से हमको अवगत कराए थे और मैंने इस बात का जिक्र विधानसभा के सत्र में भी किया था और विधानसभा में इस सवाल को उठाया था। सरकार ने चूँकि NHAI को लिखा है, चूँकि NHAI के नियंत्रणाधीन ये रोड है तो NHAI को पुल और सड़कों की मरम्मत के लिए कही गई है। अभी जो तत्काल जो गड्ढे हैं उसके लिए जिला पदाधिकारी ने NHAI के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर इन गड्ढों को भर दें। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, छोटी छोटी भी घटनाएं अक्सर घटती, इसका जिम्मेदार किन्हें माना जाए? लोग कब तक अपने जाने देते रहेंगे सड़कों पर? घटनाओं के जिम्मेवार तो अब उस समय के तात्कालिक कारण को ही माना जाता है कि क्या कारण है, लेकिन अभी घटनाओं का विश्लेषण करने का समय नहीं है। अभी उन लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करने का समय है और ऐसे समय में हम सभी लोग मरमाहत हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने यहाँ पर के जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख साहब हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, हमारे तपेश्वर बाबू हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर के हमारे प्रखंड अध्यक्षगण हैं, सभी पार्टी के बहुत से सब वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, बिशुनपुर के जितने भी लोग हैं सवेरे से पूरा तत्परता से उन लोगों को मदद किया है। मैं सभी बिशुनपुर गांव के वासी को जो यहां पर जो जितने नौजवान हैं उनको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे घटना को उन्होंने बहुत साहसपूर्वक झेल करके और लोगों को मदद पहुंचाया। मैं गया जिला के आमद थाना क्षेत्र के रेंगनिया गांव में हूं। ये रेंगनिया गांव आमद थाना क्षेत्र में पड़ता है और मैं उस पीड़िता परिवार के घर पर हूं जिनके घर में शादियां का जश्न मनाई जा रही थी, खुशियां थी पूरे परिवार में, दूर दराज से लोग परिवार आए थे, लेकिन तिलक चढ़ाकर लौटने के दरमियान जो घटना घटी है, एक ही परिवार में कई लोगों की मौत की खबरें जब पता चली तो पूरे गांव में सन्नाटा सन्न रह गए हैं। लोग सभी लोग गांव में चिंता में डूब गए हैं, चिंतित हैं कि एक ही गांव में एक ही परिवार के और घर परिवार रिश्तेदार कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। लगभग 25 आदमी के घायल होने की खबर अब तक मिल रही है जो अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहे हैं, चल रही उसकी इलाज चल रही है। हम पीड़िता परिवार से पूछेंगे क्या घटना घटी, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, क्या हुआ, क्या तैयारी थी शादी का? सर सुनिए, हम बोल रहे हैं, वहाँ बोलिए। 14 तारीख की तिलक है, ठीक है, ठीक है ना। तो 14 तारीख मेरा परिवार भी आया, 2 बच्चा भी आया, ठीक है ना, कि पापा हम जा रहे हैं उसे मामू के लड़की के तिलक चढ़ाना है, ठीक है ना। कहले कि बाबू खुद साली से जाओ और शादी व्यवहार का अपना चल आइए, है ना। तो अब सुने कि भाई ऐसे ऐसे दुर्घटना क्या सुने कि खतरा हो गया। सुनिए सर, खतरा होने के बाद में हमको खबर मिला तो सर हम 5 गो अथी डीजल भरवा के 5 लीटर गाड़ी लेकर आए हैं करके, ठीक है ना। तहाँ भाई तो हम तो सासुर के पूछेंगे ना, हम यही बात ना कि बाबू जी का बात हुआ, हमको तो खबर नहीं दिया, एक बैग हमको फोन पर दिया, ठीक है ना, यही बात सर हमको पूछना। कौन लोग हैं जिनकी जो आपके रिश्तेदार लगते हैं, किन की मौत हुई? सासुर जी है आपके, किनका किनका मौत हुई है परिवार में? ये तो नहीं बता सकते हैं सर कि मौत केकरा हुआ कि नहीं हुआ, क्या तो कोई घायल हो गया, कोई घोल टूट गया सर, यही है ना, यही बात हम सुने। आप जानते हैं क्या नाम हुआ था आपका दोनों बच्चे का? विक्रम कुमार है, विपिन कुमार। ये वो पीड़िता है, बच्चे की माँ है और ऐसी दर्दनाक घटनाएं इस बार किसी को न दे। ते गए थे इस घर से कौन कौन लोग गए थे? बाले बच्चे मतलब क्या आदमी? सबका नाम क्या है, नाम बता दो। सोहन रिक्यासन, मोहन रिक्यासन, विक्रम कुमार, विपिन कुमार, गौतम कुमार, गुतिवा नौ गौतम कुमार,
अरविंद कुमार, घर से पैरों इतना मन गए थे अब हित जन सब दू चारो सब जितना हित जन से सब गए सारा गोतिया हाथ सब गोतिया पूरा पूरा परिवार मानो जितना गोतिया से सब हारा नाम हुआ क्या हुआ आज? मेरा नाम शिवलाल कुमार, पिताजी के नाम हरिलाल रुकिया सर। क्या हुआ, क्या जानकारी मिला? कल दोनों बहन के तिलक चढ़ाने गए थे, इधर से आपसी आने में घटना हुआ। तुम्हारी बहन की गाँव, तुम्हारी भी शादी है, तुम्हारी भी आज बारात जानी थी। हाँ, बारात आई मेरे को जाना था। कहाँ बारात जाना था? बालूगंज, बालूगंज कर्मा। तो इतनी बड़ी हादसाएँ गाँव में घटी है, सारे परिवार चिंतित में डूबे हैं। आपके घर के भी सदस्य लोग इसमें शामिल हुए थे? शामिल। उनका क्या स्थिति है अभी? सही है, सबको चोटें लगी। टैक्स ले रहे हैं तो मेंटेनेंस इनके अंदर में आता है, और यहाँ से भी देखिए जितने भी स्ट्रक्चर इनका है सारा का सारा खराब है। अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। स्ट्रक्चर देखिए पूरे एक एक फीट गड्ढा होल है। आप जब टोल टैक्स ले रहे हैं तो मेंटेनेंस आप करवाइए, फिर टोल क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? आपके अंदर में आता है मेंटेनेंस। तो ये लापरवाही किन्हीं? ये लापरवाही है, आप टोल टैक्स वाले में लापरवाही है, लापरवाही कर रहे हैं। जो वहाँ पे स्टाफ है आप उन जिनके अंदर में वो कर रहे हैं ऐसे, वो लोग टैक्स लेते हैं सर के नहीं। हाँ, टैक्स ले रहे हैं, मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए आपका बुरा हाल है, सालों साल से ऐसे स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, एक एक फीट पानी हो रहा है स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से घटना। हाँ, जो घटना हमेशा हो रहा है। आप एक बाइक लेके जाइए किसी स्ट्रक्चर पर, आपको क्रॉस करना मुश्किल है। ये वही अपने अपने याददाश्त खोने लगते हैं। सही सर, समय यादें नहीं रहती है, सिर्फ दशक और जो हालात बनती है, जो घटनाएं घटती है उसी में लोग समा जाते हैं, उस चिंता में लोग डूब जाते हैं। ये पूरे गांव के लोग, पूरे परिवार के लोग इस सदमे में हैं। इस पूरे परिवार को मदद के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। जो पीड़िता परिवार है, एक ही घर के कई लोगों की मौत हुई है। हाँ। इस पर सरकार के तमाम अधिकारियों को भी ये पहल करना होगा कि किस प्रकार उन्हें आर्थिक मदद किया जाएगा। मैं बिशनपुर पीड़िता परिवार के गांव रेगनिया से राजेश कुमार।